गुड मॉर्निंग फ्रेंड, इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्पर्जिलस इन सिस्टमैटिक पोजिशन, हैबिट हैबिटाट, वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्पर्जिलस. वॉट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द मेल गेमेट्स एंड female gametes, and after the formation the male and female are fused together and formation a new zygote. It is called the sexual reproduction. Now we discuss about sexual reproduction in Aspergillus. Sexual reproduction is uncommon in Aspergillus. Most of species Aspergillus are homothelic but few are heterothelic. Means Aspergillus है उसमें sexual reproduction है वो common नहीं है, uncommon है. Means के someone species in common asexual reproduction, but most of the species are not occurrence the sexual reproduction. Some species are homothelic. Homothelic means male organ and female organ are developed on the same branches or a same thallus. It is called the homothelic. But a heterothelic means the male gametes and female gametes are formation on the different thallus. It is called the heterothelic. The sexual reproduction may be isogamous or anisogamous. The male and female sex organ are known as the antheridia and ascogonia respectively. Sexual reproduction may be isogamous. It means both the male and female gametes are similar to in size. It is called the isogamous. And the both the male and female gametes the size are different, so it is called the anisogamous. In Aspergillus the male sex organ it is called the antheridia and female sex organ it is called the ascogonia. In homothelic species the antheridium and ascogonium develop on the same hyphae or on two adjacent hyphae at the same mycelium. इट मीन्स जो एस्पर्जिलस वाली स्पीसीज है वो होमोथेलिक स्पीसीज है, बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ द एंथ्रेडियम एंड आश्कोगोनियम आर डेवलप ऑन द इन माइसेलियम आइधर सेम हाइफी और इन अ वन माइसेलियम टू डिफरेंट ब्रांच इन अ फॉर्मेशन ऑफ द आश्कोगोनियम एंड एंथ्रेडियम, सो इट इज कॉल्ड द होमोथेलिक स्पीसीज. नेक्स्ट द डेवलपमेंट ऑफ द आश्कोगोनियम. The hyphal branch which forms a ascogonium soon becomes septate and loosely coiled. Means के जो isogonium है उसका formation जो hyphal branch के इधर part में होता है वो branch है वो septate है. Means के उसमें cross wall है present है और loosely coiled, वो spiral shape में arrange है. As the ascogonium develop the coil become dense and look like a spring like structure, it is now known as the आर्ची कैप. मीन्स के जो आस्कोगोनियम का डेवलपमेंट जो लूजीली कोल्ड अरेंज ब्रांच होती है उसके अंदर डेवलपमेंट होता है तो वो इस ब्रांच है उसे हम आर्ची कैप कहते हैं. सो जो फीमेल ब्रांच है उसे हम आर्ची कैप कहते हैं और जो फीमेल ऑर्गन एस्कोगोनियम है उसका डेवलपमेंट आर्ची कैप के इनर साइड होता है. इट इज़ डिफरेंसेड इंटू इन द फॉलोइंग थ्री पार्ट. जो आर्ची कैप की ब्रांच है वो डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट है. फर्स्ट वन द टर्मिनल यूनिसेल्युलर एंड मल्टी न्यूक्लियर पार्ट, इट इज नोन एज द ट्राइकोगाइन एंड इट एक्ट एज ए रिसेप्टिव रीजन. सेकेंड वन इज द मिडल पार्ट इज ऑल्सो यूनिसेल्युलर एंड यूनी न्यूक्लियर. इट फंक्शन इज द फीमेल गेमेटेंजियल एंड इज नोन एज द आस्कोगोनियम. एंड थर्ड वन इज द बेसल पार्ट इज अ मल्टी सेल्युलर एंड मल्टी न्यूक्लियर. इट फॉर्म्स द स्टॉक ऑफ द आस्कोगोनियम. हम इस फिगर में देखते हैं कि ये फिगर है वो आर्ची कैप की है. इट मीन्स दिस इज़ अ माइसेलियम एंड इन द माइसेलियम द वन स्पाइरल ब्रांच आर डेवलप. जो स्पाइरल ब्रांच डेवलप है उसके अंदर थ्री रीज़न है. जो फर्स्ट वाला रीज़न है कि जो अपर वाला रीज़न है उसे हमें क्या कहते हैं, ट्राइकोगाइन. कि जो ट्राइकोगाइन है वो यूनिसेल्युलर और मल्टी न्यूक्लियर पार्ट है और वो रिसेप्टिव रीज़न कहते हैं. इट मीन्स के ट्राइकोगन वाला पोर्शन है वहाँ पे मेल ऑर्गन और
फीमेल ऑर्गन दोनों अटैच होता है। मिडल वाला पोर्शन है वो यूनिसेल्यूलर और मल्टी न्यूक्लिएट है, और वहाँ पे गेमेट एंजल है इसलिए उसको क्या कहते हैं, आस्कोगोनियम। एंड जो बेजल वाला पोर्शन है वो मल्टी सेल्यूलर एंड मल्टी न्यूक्लिएट है, इसे हम स्टॉक वाला पोर्शन कहते हैं। नेक्स्ट द डेवलपमेंट ऑफ द एंथ्रीडियम। तो हमने आर्चिकेप के अंदर जो आस्कोगोनियम है यानी कि फीमेल पार्ट्स का डेवलपमेंट कैसे होता है वो तो हमने देख लिया। अब हम मेल पार्ट्स और मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखते हैं। द एंथ्रेडियम डेवलप क्लोज टू द आस्कोगोनियम ऑन द सेम और नियर बाई हाइफी। एंथ्रेडियम है उसका डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, तो कि जो ब्रांच आस्कोगोनियम वाली ब्रांच होती है कि जो आर्चिकेप ब्रांच है उसके सेम और अथवा तो जो नियर वाली ब्रांच है उसमें डेवलप होता है। इट बिगिन्स टू इनिशिएट जस्ट बिफोर और ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ द आस्कोगोनियम हाइफी। द एंथ्रेडियल ब्रांच ऑल्सो नोन एज द पोलिनोडियम एंड बिकम अ टू सेल बाई द फॉर्मेशन ऑफ द सेप्टम। द एंथ्रेडियल ब्रांच इट्स कॉल्ड द पोलिनोडियम। द पोलिनोडियम ऑल्सो हैव अ सेप्टम, मीन्स द क्रॉस वॉल्स आर प्रेजेंट। सो द आस्कोगोनियम ब्रांच इट इज कॉल्ड द आर्चिकेप एंड द एंथ्रेडियल ब्रांच इट इज नोन एज द पोलिनोडियम। In this polynodium, they have differentiated into two parts. The upper cells form the enthridium, in the lower portion it is called the stalk. It's the same on the archicamp. The lower portion it is the stalk and upper portion it is called the enthridium. But in the ascogonium, the trichogyne are a different portion in this present. Both the enthridium and stalk are multinucleate and remain the unicellular even at the maturity. Now we discuss about the development of ascogonium and enthridium in this figure. ये first वाली figure है उसे हम क्या कहते हैं कि mycelium में, जहाँ mycelium में उसमें female branch और male branch का development है। तो हम देखते हैं कि ये B वाली figure है इसमें जो ये सारे cell है उसे हम फूड सेल कहते हैं, उसमें दो ब्रांच का डेवलपमेंट होता है। ये वाली ब्रांच है जो अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन में डिवाइडेड होती है उसे हम मेल ब्रांच कहते हैं, और जो ये वाली ब्रांच है कि जो कोइली और लूजली कोइल्ड अरेंज होती है तो उसे हम फीमेल ब्रांच कहते हैं, उसका अपर पोर्शन है वो ट्राइकोगाइन है। नेक्स्ट इन दिस सी फिगर द फीमेल ब्रांच इन दिस प्रेजेंस ऑफ द आस्कोगोनियम, इन द मेल ब्रांच द प्रेजेंस ऑफ द एंथ्रेडियम। तो यहाँ हम देखते हैं कि एंथ्रेडियम और आस्कोगोनियम उसी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब फॉर्मेशन हो के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो व्हेन द मेल ब्रांच एंड फीमेल ब्रांच आर फॉर्मेशन इन दिस द फीमेल ब्रांच यानी कि जो आर्चिकेप वाली ब्रांच है उसका ग्रो ज़्यादा होगा, और क्या होगा कि जो ट्राइकोगोन वाला पोर्शन है वो दोनों पोर्शन क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। इट मीन्स कि प्लाज्मोगेमी प्रोसेस होगी। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है कि कोई भी दो पोर्शन है उसके बीच वाली जो क्रॉस वॉल प्रेजेंट होती है वो वॉल का क्या हो जाता है, रप्चर हो जाती है और डिजोल्व हो जाती है, और दोनों पार्ट्स में साइटोप्लाज्म की एक्सचेंज होती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोगेमी कैसे। तो व्हेन द प्लाज्मोगेमी प्रोसेस अकरेंस द इन दिस ट्राइकोगोन पोर्शन द क्रॉस वॉल आर डिजोल्व, एंड देन क्या होगा कि जो वॉल है वो डिसोल्व हो जाएगी, तो मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन वह कहाँ, ट्राइकोगन वाला पोर्शन है वहाँ टुगेदर हो जाएगा। इट मीन्स के पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियाई हम इस फिगर में देख रहे हैं कि एक एक पोर्शन है उसमें दो दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, तो एक न्यूक्लिया है वो एंथ्रेडियम है और दूसरा न्यूक्लिया है वो क्या है, आर्चिगोनियम है। तो आफ्टर वो पेयरिंग हो जाता है इसके बाद क्या होता है कि क्लेस्टियोथिसियम का फॉर्मेशन होता है। क्लेस्टियोथिसियम मीन्स क्या होता है कि ग्लोब्यूलर लाइक बॉडी का फॉर्मेशन होता है, और वो बॉडी एकदम क्लोजली टाइट पैक होती है कि उसके अंदर के स्पोर है वो बिना मैच्योर के लिए वहाँ से डिसेंड नहीं हो पा रहा है। तो क्लेस्टियोथिसियम का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद क्रूजर फॉर्मेशन होता है। क्रूजर फॉर्मेशन क्या है कि जो हाइफी का डेवलपमेंट होता है, तो वो हाइफी है उसकी ब्रांच में ऐसा हुक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और जो हुक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसके ये नेरो बेंडेड पोर्शन है वहाँ मेल और फीमेल यानी कि एंथ्रेडियम और आर्चिगोनियम प्रेजेंट होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं,
क्रूजर फॉर्मेशन, कि क्रूजर फॉर्मेशन का फंक्शन क्या है कि वहाँ पेयरिंग ऑफ न्यूक्लिया है उसका मियोटिक और माइटोटिक डिवीजन होता है और 2 में से 4 और 4 में से 8 सेल का फॉर्मेशन होता है। हम देखते हैं यहाँ 2 सेल है, आफ्टर क्रूजर फॉर्मेशन का फॉर्मेशन होता है, देन 4 सेल का फॉर्मेशन होता है और लास्ट में 8 सेल का फॉर्मेशन होता है। जो 8 सेल का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, आस्कस, के आस्कस के इनर साइड 8 आस्कोस्पोर प्रेजेंट होता है। तो ये आस्कस है उसको आस्कोकार्प भी कहता है और उसे हम एस्पर्जिलस की फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। तो एस्पर्जिलस की फ्रूटिंग बॉडी में आस्कोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, मीन्स के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द स्पोर्स आर डिहाइड्रेटेड और दे आर डिस्पर्शन बाई द वाइंड और दे जर्मिनेट इन टू फेवरेबल एटमोस्फियर एंड दे आर फॉर्मेशन इन टू जर्म ट्यूब एंड देन द जर्म ट्यूब आइदर फॉर्मेशन ऑफ द माइसेलियम एंड दिस साइकल आर कंटिन्यूअस टू ग्रोइंग। सो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल द मेल एंड फीमेल ब्रांच का डेवलपमेंट होता है, उसमें मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन होने के बाद वो दोनों का फ्यूज़ होता है, वो कहाँ होता है तो क्या ट्राइकोगोशन पोर्शन में होता है। ट्राइकोगोन पोर्शन है वो डिजोल यानी कि प्लाज्मोगेमी प्रोसेस होती है, देन प्लाज्मोगेमी प्रोसेस के बाद कैरियोगेमी प्रोसेस होती है। कैरियोगेमी प्रोसेस में पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियाई बनते हैं और जो पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियाई बनते हैं वो क्रूजर फॉर्मेशन के थ्रू माइटोसिस की प्रोसेस प्रोसेस करते हैं और लास्ट में 8 स्पोर का फॉर्मेशन कहते हैं। जो 8 स्पोर का फॉर्मेशन ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं उसे हम आस्कोकार्प और आस्कस कहते हैं। और वेन द मेच्योरिटी ऑफ द आस्कोस्पोर दे डिसेंड बाय द वाइंड एंड दे ड्रॉप इन द सूटेबल सबस्ट्रेटम, दे आर ग्रो इन टू जर्म ट्यूब एंड दे आर नेक्स्ट मेकिंग अ थैलस स्ट्रक्चर। डेवलपमेंट ऑफ आस्कोकार्प उसके बारे में हमने फिगर में डिस्कस कर लिया है कि वेदर द एंथ्रेडियम इज फंक्शनल और नॉट, द आस्कोगोनियम इन ऑल द केसेस डेवलपमेंट इन अ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड द आस्कोकार्प, कि जब भी एंथ्रेडियम और आर्चिगोनियम है वो दोनों में मेल और फीमेल ऑर्गन है वो फ्यूज होते हैं तो एंथ्रेडियम का इधर फंक्शन नहीं होता है। फंक्शन किसका है कि आर्चिगोनियम आज के, कि वहाँ पर ट्राइकोगाइन है ही प्रेजेंट है तो वह ट्राइकोगाइन है वही फ्रूटिंग बॉडी है उसका डेवलपमेंट करते हैं और उसे हम आस्कोकार्प कहते हैं। आफ्टर द पेयरिंग ऑफ द न्यूक्लियाई द आस्कोगोनियम बिकेम अ सेप्टेट, जब पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियाई हो जाता है तो आस्कोगोनियम है वो सेप्टेट हो जाते हैं। इसमें इट मीन्स के उसके स्ट्रक्चर है वो ऐसे दिख जाते हैं कि ऐसे सेप्टेट प्रेजेंट होता है तो उसके अंदर के साइड आस्कोगोनियम और एंथ्रेडियम का फॉर्मेशन होता है। इट्स सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ द वन मेल एंड वन फीमेल न्यूक्लियाई, इट इज कॉल्ड द डाइकेरियन। फ्रॉम दिस डाइकेरियन सेगमेंटिंग अराइज द आस्कोजिना हाइफी एंड ईच आस्कोजिना हाइफी इज अ मल्टीसेल्यूलर विद द पेयर ऑफ द न्यूक्लियस एंड प्रोड्यूस्ड अ फॉर्मेशन बाय द क्रूजर फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन हमने आगे डिस्कस कर लिया है और क्रूजर फॉर्मेशन का भी, कि जो टर्मिनल बाई न्यूक्लियट सेल है कि जो आस्कोजिनस हाइफी है वो इलोंगेटेड होती है और बैंड लाइक स्ट्रक्चर का, हुक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर हमने आगे देख लिया कि वो बैंड और हुक लाइक का फॉर्मेशन करता है, कि यहाँ डाइकेरियन न्यूक्लियर प्रेजेंट है, इट मीन्स कि वन आर एंथ्रेडियम एंड वन आर आस्कोगोनियम, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रूजर फॉर्मेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।